किसी की लाश से वहां पे हेल्थ किट उठाई तो जोन में आपका नाम लेकिन पहले प्लेयर की जान इन्होंने अभी यहाँ पे गवा दी है। बिल्कुल ट्रेड काफी कमाल कर रहा है यहाँ पे दोनों की तरफ से। आप बात करें टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक, जहाँ पे नॉक हम देखे किसी और की तरफ से, ट्रेड भी तुरंत से आता हुआ हमें देखने को मिला। अगर डिले करते तो नुकसान आई थिंक हो सकता था, बट इधर आप बात करें तो रिवाइवल हो चुकी है। ओमेगा वहां पे बाहर हो गए, उधर रिवाइवल हो चुके हैं, तो कहीं कहीं बैलेंस कर चुके हैं। यहाँ पे एक्टर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं चौथे ग्रेनेड, गॉब्लिन को फिलहाल यहाँ पे डाउन करने के लिए ना पड़ेगा। वापस से वो ओपनिंग जो चाह रहे थे गॉडलाइक मिल चुकी है, और जानते हैं कि ओमेगा को गेम से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये जो रैंडम स्प्रे जा रहे हैं काफी ज्यादा कमाल के, नियो को फिलहाल वहां पे डाउन करने में कामयाब मिलते हैं। गॉब्लिन को रिवाइव की आवश्यकता थी, सही टाइम पे रिवाइव दे देते, इसीलिए कहा जाता है कि हेक्टर एक बहुत ही कमाल के सपोर्टर है। उसी को वापस से यहां पे जस्टिफाई करते हुए दिखा रहे हैं कि सामने एक खिलाड़ी को नॉक करते हैं, अपने शोल्डर को रिवाइव देते हैं, वापस से आगे बढ़ के ग्रेनेड का पिन आउट कर, ये ग्रेनेड अगर कनेक्शन ढूंढ लेता है तो फिलहाल अक्षत नो फुट्स की यहाँ पे इस्तेमाल करके पीछे हटेंगे, अपने हेल्थ को रिकवर करने का टाइम चाहेंगे, क्योंकि अब यहाँ से जर्नी अकेले लेके आगे बढ़नी पड़ेगी। मेरे ख्याल से एक यहाँ पे जब प्लेयर ना हो तो यहाँ पे फाइट को छोड़ के अगर बाकी दोनों प्लेयर चले जाते हो, मेरे ख्याल से थोड़े से पोजीशन के लिए खेल सकते, क्योंकि अभी तक आप टॉप 8 ही आए हो, लेकिन अब मेरे ख्याल से पॉसिबल है। लेकिन अक्षत क्लच मास्टर, देखते हैं क्या इस क्लच को कर पाएंगे। पीछे से कूद कूद के प्लेयर इनको स्पॉट करें, लेकिन बाकी प्लेयर सब डायरेक्ट एंट्री लेते हुए हमको नजर आ जाएंगे। अच्छे खास स्प्रेस यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या इनका फायदा होने वाला है, क्योंकि कैमिल स्पोर्ट्स हेल्प करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है अक्षत की। एक प्लेयर को गॉड लेके नॉकआउट कर दिया चुके हैं, ये लोटस ब्लेड बहुत ज्यादा फायदे में जा सकता है। लेकिन ट्राई आउट यहाँ पे एडी के ट्राई को नॉक करेंगे, चलो तो भी बोब डॉब को नॉकआउट करेंगे, बट अक्षत इस टाइम पे डायरेक्ट एंट्री आ जाएगी। हील करने ही लगे थे, जी गॉड घुस के यहाँ पे उनका गेम खत्म करेंगे। टीम गॉड लाइक फिर से यहाँ पे टीम सोल को इस गेम से बाहर करते देखने को मिलते हैं। गॉड लाइक प्लेयर अभी रुकने का नाम नहीं ले, कैमिल स्पोर्ट्स ऊपर पुश करते नजर आ रहे हैं, नॉक किया जरूर था, लेकिन जरूरत नॉक हो जाएंगे। जी गॉड ट्राई आउट थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे रहने वाले, जो कि हील जरूर कर रहे थे, लेकिन देखते हैं अभी लोग कितना कवर हो जाते हैं उनको नहीं पाते हैं, या ज्यादातर यहाँ से बाहर होते नजर आएंगे। डेल्टा पीजी अभी सोलो प्लेयर स्टैंडिंग, जो कि डेस्टिनी को इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। वाओ, क्या कवर फायर हमें यहाँ पे देखने को मिला। एडीएस मानो लॉक करके रखे थे कि अगर जोनाथन को कोई फिनिश करने आते हैं तो उन्हें पहले मेरे एमो से गुजरना पड़ेगा, लेकिन लेकिन OA07 आप इंतजार में थे, जैसे ही आगे निकले जोनाथन को बाहर किया गया। नुकसान चलिए उस पॉइंट पे तो नहीं, बट कहीं ना कहीं आगे नुकसान हुआ ही। ओएस बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, जहां से आप देखिए कि जो व्यू अगर ये चाहेंगे बहुत ही इजीली मिल सकता है। टीम एक्सो की बात करें, स्टार्टिंग में जो नुकसान हुआ था उसके बाद भी यहाँ पे दो खिलाड़ी हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिल जाने वाले। गॉडलाइक के यहाँ पे तीन खिलाड़ी रहेंगे, जो मैन एडवांटेज अभी हम बात करें टीम गॉडलाइक के पास है। एनिग्मा के एगी जो कि प्ले जोन के बाहर हेल्थ बैटल कर रहे थे, उनका यहाँ पे सफर चौथे स्थान पे जाके समाप्त हो चुका है। अब तीन टीम है फिलहाल यहाँ पे बचे हुए, गॉडलाइक एक्सो टीम एनिग्मा फॉरएवर, 14 फिनिशेस यहाँ पे निकाले गए हैं टीम गॉडलाइक की तरफ से, और अब जाके यहाँ पे मुश्किल शायद हो सकता है। क्रिकेट काफी ऑन पॉइंट यहाँ पे साबित हुआ, जी गॉड को यहाँ पे डाउन किया गया, प्ले जोन के बाहर है, सर्कल में जाना इन्हें पड़ सकता है, जो कि इतना ज्यादा आसान रहेगा नहीं। बट यहाँ पे बात करें तो दलजीत को बाहर करके चले जाते, क्या एक्सो को यहाँ पे गिफ्ट मिल चुका है मुझे लगता है शायद, लेकिन नो हेल्थ किट है यहाँ पे इमॉर्टल के पास, फियर्स भी वहां पे नॉक है। ओएस बोलते की बात करें, इसमें काफी ज्यादा लो एनर्जी के साथ प्रॉपर इमॉर्टल विनर विनर चिकन डिनर अपनी टीम के लिए लेके जाएंगे, बहुत ही स्मार्टली है, चाहते तो गन के साथ जा